हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2017 पहले ही बहुत लंबा समय निकल गया है, अब जो फाइनल लिस्ट आ गया उससे पहले एक यूनिट अलॉटमेंट लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। तो सोशल मीडिया पर तो कोई खुद से नहीं बनाएगा, जो फोर्स के किसी ऑफिस में जनरेट हुआ है लिस्ट और वहां से किसी ने उसको वायरल किया। अब ये एक्चुअली फाइनल रिस्ट है रिजल्ट का, जो आईटीबीपी का साइट पर आ गया है। अब हमारे कुछ साथियों को यहाँ पर डाउट है कि ये लिस्ट जो है, ये और जो वायरल लिस्ट जारी हुआ था यूनिट अलॉटमेंट, अब देखिए ये यूनिट अलॉटमेंट का जो लिस्ट है इसमें कितने कैंडिडेट्स का इसमें नाम है। इसमें 625 ये लास्ट कैंडिडेट जो है वो देखिए यहाँ पर जसवीर हैं, एससी कैंडिडेट, 36 बटालियन उनको अलॉट हुआ है राजस्थान में, मेल कैंडिडेट है। अब वापस हम रिजल्ट पर आते हैं। देख, कुछ हमारे साथी इसका बड़ा पोस्टमार्टम कर रहे हैं, ये हमने भी नहीं देखा था कितने का है कैसा है। जो स्टार्ड है कैंडिडेट्स जिनके रोल नंबर के आगे स्टार लगा हुआ है वो कौन है, तो ये देखिए कांस्टेबल कुक की यदि अपन बात करें तो यहाँ दो कैंडिडेट के रोल नंबर के आगे स्टार लगा है। तो लास्ट में जो नंबर है वो बहनों के हैं, ये फीमेल कैंडिडेट जो हैं उनका लास्ट में नंबर है। यहां साफ लिखा हुआ है स्टार क्यों लगाया गया है उसके लिए, देखिए द कैंडिडेट डिक्लेयर्ड टेम्पररीली अनफिट इन डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, डीएमई में इनको टेम्पररी अनफिट किया गया था। हमारा जो सीएपीएफ का मेडिकल गाइडलाइन है उसमें टेम्पररी अनफिट का एक ही कारण होता है, टेम्पररी अनफिट सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी की वजह से किया जाता है कि 12 वीक या उससे ज्यादा का प्रेगनेंसी यदि होता है किसी का तो उनको टेम्पररी अनफिट कर दिया जाता है कि जो कन्फाइनमेंट ओवर हो जाएगा उसके बाद आफ्टर 6 वीक ऑफ कन्फाइनमेंट पीरियड एज पर इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कि कोई महिला प्रेग्नेंट है और इस दौरान उसका मेडिकल आ जाता है तो उस समय मेडिकल नहीं किया जाएगा। मेडिकल कब किया जाएगा, प्रेगनेंसी कन्फाइनमेंट ओवर होने के 6 सप्ताह के बाद किया जाएगा। तो ये वो बहने हैं। अब इसमें देखिए कुक में आपको बता दें ये कहाँ कहाँ है। एसके सफाई कर्मचारी में एक कैंडिडेट है, माली में एक है गार्डनर, और कुक का तो ये आपके सामने ही है, इसमें दो 4 कैंडिडेट ये हैं। जब ये टेम्पररी अनफिट हैं तो जाहिर सी बात है कि इनका ज्वाइनिंग लेटर इश्यू नहीं हुआ हो। अब ज्वाइनिंग लेटर जो इश्यू हुआ वो 625 कैंडिडेट का यूनिट अलॉटमेंट हुआ है, और जो रिजल्ट निकला है उसमें कितना है, फाइनल रिजल्ट जो डिक्लेयर हुआ है उसमें फाइनल लिस्ट में 629 कैंडिडेट है। तो ये 4 कैंडिडेट, अब कुछ हमारे साथी जो है वो इसको देख के जो सेलेक्ट नहीं हुए थे उनको बड़े डाउट हो जाते हैं। देखिए आप सेलेक्ट नहीं हुए हैं, ये जो एक्सटेंडेड लिस्ट के जो कैंडिडेट्स थे उनके साथ हमारी भी सहानुभूति है जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं, लेकिन रिजल्ट जो बना है वो किसी बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स ने रिजल्ट बनाया है। ऐसा नहीं कि कोई एक अधिकारी ने रिजल्ट बना दिया, कुछ अधिकारियों का एक बोर्ड बैठकर रिजल्ट बनाता है और उसका हर चीज जो है वो रिकॉर्ड होती है। फाइनल लिस्ट तो 629 की है जबकि जो यूनिट अलॉटमेंट की लिस्ट है वो 625 की ही है। 4 कैंडिडेट कौन है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा नाम नहीं आएगा, मेरा तो केस भी पेंडिंग था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी वजह से मेरी ज्वाइनिंग नहीं होगी। लिस्ट में जिनका देखिए नाम आ गया है उनकी ज्वाइनिंग होगी, केस पेंडिंग है, एफआईआर दर्ज हुई थी, एफआईआर सेटल हो गई, समझौता हो गया या माननीय न्यायालय से आप बरी कर दी गए हैं, तो आपका ज्वाइनिंग पर क्या असर होगा क्या नहीं होगा इसका निर्धारण किया जाएगा जब आप वहां जाकर अपना केस का पेपर्स दे देते हैं। तो दोस्तों ये जो है ये दावा जो किया जा रहा था कि ये गलत है, ये क्यों किया ऐसा, तो ये वो रोल नंबर है जो बहनों के रोल नंबर है, ये जो प्रेगनेंसी की वजह से उनका मेडिकल नहीं हुआ था उस समय उनको टेम्पररी अनफिट घोषित कर दिया गया, उनका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन उनको बाद में होगा और उसके बाद यदि वो फिट पाई जाती हैं तो उनको
नियुक्ति दी जाएगी। यदि वो अनफिट हो जाती हैं तो क्या होगा? यदि अनफिट हो जाती हैं तो क्या उनकी जगह वो जहां भी स्टैंड कर रही हैं, यदि वहां से वो आउट होती हैं तो क्या एक्सटेंडेड वाला जो कैंडिडेट है वो ऊपर आ जाता है? ये भी प्रश्न उठता है यहां पर। लेकिन ये प्रश्न तब तय होगा जब उनके मेडिकल हो जाएंगे और उनका क्या रिजल्ट होता है। और जनरली क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी की वजह से अनफिट किया है तो इसका मतलब क्या है कि अभी मेडिकल उनका हुआ ही नहीं है, टेम्पररी अनफिट घोषित कर दिया उनको। तो क्या होगा ये तो उनका मेडिकल होने के बाद पता चलेगा। अभी जो टेंशन है, सबसे बड़ी टेंशन ये है कि मेरा ज्वाइनिंग लेटर नहीं है, वाटर कैरियर का ज्वाइनिंग लेटर नहीं है, वॉशरमैन का किसी का आया क्या, और किसका आ रहा है, कब का आ रहा है, मिल गया तो पिक सेंड करो। बहुत सारे मैसेज तो हमारे पास आ जाते हैं, 2000 प्लस मैसेज हमें रोज रिप्लाई करने होते हैं और उसमें आधे तो ITBP के ही होते हैं। अभी बहुत सारे साथी ये पूछते हैं कि किसी का वाटर कैरियर का आया क्या। देखिए, जब कुक का आ गया है तो वाटर कैरियर का भी आ जाएगा। थोड़ा सा धैर्य रखें, जब आप 4 साल से आप इंतजार कर लिए हैं तो अब तो बस दिनों की ही बात है। जय हिंद।